ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि मंगल मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है। ये व्यक्ति को साहस, आत्मविश्वास और शक्ति देता है। इसके साथ ही उतार चढ़ाव से भी बचाता है। दोस्तों, माना जाता है कि अगर मंगल कुंडली में राजयोग दे तो व्यक्ति को जीवन में कम उम्र में ही सफलता मिल जाती है, लेकिन वहीं अगर कुंडली में मंगल की दिशा खराब हो जाए तो भयंकर परिणामों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, मंगल खराब होने के कारण विवाह में भी देरी होती है और साथ ही अन्य शुभ कामों पर रोक लग जाती है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि साल 2021 में मंगल कब कब बदलेगा अपनी चाल। साल 2021 में मंगल 7 बार अपनी राशि बदलेगा और हर बार इसके अच्छे बुरे परिणाम सामने आएंगे। 22 फरवरी 2021 को मंगल का पहला राशि परिवर्तन होगा। इसके बाद 2 जून, 20 जुलाई 2021, 6 सितंबर, 22 अक्टूबर और 5 दिसंबर को 6 अन्य राशियों में गोचर होंगे। इस तरह मंगल कुल 7 बार राशि बदलेगा। तो आइए आपको बताते हैं कि साल 2021 में मंगल की चाल कैसी रहने वाली है और किस राशि पर क्या असर होगा। मेष, मंगल गोचर 2021 के अनुसार आप अपने पेशेवर जीवन में नए रास्ते तलाशना पसंद करेंगे। ये समय आपके करियर ग्रोथ के लिहाज से अनुकूल रहेगा। आप हर कार्य को बहुत तीव्रता से करना पसंद करेंगे। अपनी बातों में स्पष्ट और मजबूत होंगे। आपको क्रोध को नियंत्रण में रखने की भी सलाह दी जाती है। वृष, इस साल भौतिकीवादी चीजों को पाने की इच्छा दृढ़ होगी, जो आपको अपने प्रयासों में कड़ी मेहनत करने और सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगी। विवाहित जातक जीवन साथी के साथ रोमांटिक पल बिताएंगे और उनके साथ अपनी भावनाएं साझा करेंगे। मंगल की चाल के लिहाज से ये साल प्रेमियों और रोमांटिक जोड़ों के लिए अच्छा रहेगा। मिथुन, आप एक साथ कई काम करने में सक्षम होंगे, लेकिन किसी भी काम में आप महारत हासिल नहीं कर पाएंगे। हालांकि आप ऊर्जा से भरे रहेंगे और अधिकांश समय गतिशीलता आप में बनी रहेगी। आप चीजों को पहचानने और उनका निष्कर्ष निकालने में अच्छे होंगे। इससे आपको काम के मोर्चे पर मदद मिलेगी। मित्रों और परिचितों के साथ छोटी यात्राओं पर जा सकते हैं। कर्क, साल 2021 में मंगल का ये गोचर सभी राशियों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। हालांकि आप चुनौती का सामना करने की ताकत रखेंगे। आप महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ भावुक भी होंगे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो आप एक संरक्षक के रूप में कार्य करेंगे। यदि आप अपने परिवार के लिए कुछ खतरा देखते हैं, उनकी सहायता की आप हर संभव कोशिश करेंगे। सिंह, ये ग्रह स्थिति सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत शुभ है। इस दौरान मंगल कार्य और सूर्य दोनों की क्षमताएं आपको मिलेंगी, जिसका मतलब है कि आप इस अवधि के दौरान दूसरों पर वर्चस्व जमाएंगे और गतिशील रहेंगे। धन व्यापार के मामले में सब बढ़िया रहेगा। इस साल आप उन स्थानों की यात्रा करना पसंद करेंगे जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरे हैं। कन्या, मंगल गोचर 2021 के अनुसार आप परफेक्शनिस्ट की तरह इस दौरान काम करेंगे और शॉर्टकट लेने वाले लोगों से दूर रहेंगे। आप अपने कार्यों को बहुत अच्छी तरीके से करेंगे और साथ ही कुछ अच्छी योजनाएं बनाएंगे। आप अपने कार्यस्थल को सुव्यवस्थित रखना पसंद करेंगे। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेंगे, जिसके लिए आप अपनी दैनिक जीवन शैली में व्यायाम को जगह दे सकते हैं। तुला, आप अपने आकर्षण और उदारता से लोगों को प्रभावित करेंगे। आप बहुत दयालु होंगे और दान पुण्य के कार्यों को करने में विश्वास करेंगे। यही कारण है कि आप खुद को विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में शामिल कर सकते हैं। इससे आपको शांति और खुशी दोनों मिलेगी। हालांकि आपके खर्चे बढ़े रहेंगे, इसलिए आपको अपने वित्त का प्रबंधन करना सीखना होगा। इस साल विवादों में पड़ने की संभावना भी नहीं रहेगी। वृश्चिक, मंगल गोचर 2021 की भविष्यवाणी के अनुसार इस समय के दौरान आपका व्यक्तित्व करिश्माई होगा। आपको अपने आसपास के लोगों के बीच लोकप्रियता मिलेगी। विशेष रूप से विपरीत लिंगी लोगों के बीच वो आपके प्रति पूरी तरह से आकर्षित होंगे। आप इच्छाओं से भरे रहेंगे और हर चीज को गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। हर चीज के बारे में आपके विचार और ज्ञान स्पष्ट होंगे और आप चीजों को, स्थितियों के मूल को जानने में खोए रहेंगे। धनु, मंगल गोचर 2021 के अनुसार आप नए दोस्त बनाएंगे और विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के साथ बातचीत करने के लिए तत्पर रहेंगे। इसके अलावा आप अपने दोस्तों और परिचित लोगों के साथ किसी साहसिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। हालांकि इस समय आपका गुस्सा चरम पर रहने वाला है और आप अपने स्वभाव में आक्रामक हो सकते हैं।
पेशेवर रूप से बात करें तो आपकी कमान पूरी तरह से आपके काम पर बनी रहेगी। मकर, आप इस दौरान संगठित, जमीन से जुड़े हुए और स्वभाव में विनम्र रहोगे, जो आपके प्रियजनों को बेहद अच्छा लगेगा। आपके पास इस समय मजबूत इच्छा शक्ति और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उच्च संकल्प होगा। आप चीजों की योजना बनाने में और अपने पेशेवर जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अच्छी रणनीति बनाएंगे। इस तरह आपकी भौतिकवादी योजना बेहद ही मजबूत होगी। कुंभ, मंगल गोचर 2021 के अनुसार आप प्रगतिशील होंगे और चीजों को अलग ढंग से करने के लिए तत्पर नजर आएंगे। इस समय के दौरान यदि आपको कोई नियंत्रित करने या किसी नियम का पालन करने की सलाह देता है तो आप विद्रोही भी हो सकते हैं। वायु तत्व की तरह आप मुक्त प्रवाह वाली ऊर्जा के साथ कोई भी काम करने में विश्वास रखेंगे। मीन, आप अपने प्रियजनों के प्रति स्नेही और सहयोगी होंगे। तनाव और दबाव को दूर करने के लिए आप कुछ रचनात्मक तरीकों का पालन करेंगे। जल और अग्नि से संबंधित विभिन्न ऊर्जाओं के चलते आपको थोड़ा भ्रमित और अप्रत्यक्ष महसूस कर सकते हैं। कई बार आपके गुस्से में अधिकता होगी और कई बार आप धैर्य के साथ काम करने में विश्वास करेंगे। इस समय के दौरान कला और संगीत के प्रति आपका झुकाव ज्यादा रहने वाला है। इसके अलावा आप खुद को व्यक्त करने और लिखने की कला में काफी अच्छे रहने वाले हैं। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।